जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का मंत्र विधान थोड़ा हटके है। योगिनी तंत्र में एक मंत्र आता है जो बहुत शोध के बाद मिलता है, जिसको नाग मंत्र बोलते हैं या सर्प मंत्र बोलते हैं। अलग अलग कालखंडों में इस मंत्र का अलग अलग नाम था, ठीक है। नाग मंत्र का खासियत यह है कि ये एक मंत्र है जो कि दो अक्षर का है, और इसको करने से दो तरह का जो विष है वो दूर होता है। एक तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो सर्प दंश से जो विष हुआ उस विष को ये खत्म करता है। दूसरा, ये मंत्र जो है जो कर्म के द्वारा अर्जित विष है उसका भी नाश करता है, इसकी ये खासियत है। ये मंत्र महादेव द्वारा दत्तात्रेय भगवान को बताया गया था। सर्प विद्या का एक बहुत वृहद विधान है। सर्प विद्या पृथ्वी पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों से पहले इस पृथ्वी पर सर्पों का वास था, और सर्प विद्या से बहुत सारे ऐसे कार्यों को कराया जा सकता है जो कि हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं। उसी सर्प विद्या का या नाग विद्या का ये पहला चरण मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं। इसकी पूजा, इस मंत्र की साधना, जो दो अक्षर का मंत्र है, इसकी साधना दो चरणों में होती है। पहले चरण में भगवती दुर्गा की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले एक चौकी बैठानी होगी पूजा स्थान पर, पश्चिम की दिशा में जिधर लक्ष्मी की पूजा होती है। उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे और उसके बाद सफ़ेद चावल को लाल रंग करके, और उसके बाद एक आठ कोनों वाला जो है आप तारा उस पर बनाएंगे। उसके बीच में आप बीज अक्षर लिखेंगे दुंग, वो भी चावल से ही लिखेंगे, और उसके ऊपर एक कलश की स्थापना करेंगे। ये जो पूजा है ये पूरे 7 दिन तक चलेगी, और 7 दिन तक आपको उस कलश को वहीं रखना है। 8वां दिन आप उसको हटाएंगे, यानी पूजा पूर्ण रूप से 8 दिन की हुई अष्टमात्रिकाओं की, और उसको आप वहाँ पर लगा करके उसके ऊपर चावल पीस करके तिलक करेंगे, फिर उसके ऊपर रोली लगाएंगे, 5 आम का पत्ता वाला एक जो डाली है उसमें डालेंगे, 1 पान 1 सुपारी 1 सिक्का इतना डाल के उसको ढक देंगे, और ढकने के बाद जो है उसके ऊपर एक दीपक रखेंगे जो उसके ढक्कन बराबर हो, और दीपक जो है वहीं पर जलेगा, ठीक है। उसके बाद जो पंच पूजा का कार्यक्रम होता है, भगवती को इत्र चढ़ाना, सुगंधित द्रव्य चढ़ाना, सुगंधित तेल चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, फल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है कि पूजा का समय 2 बार होगा, एक सुबह के समय, ठीक है, मध्याह्न से पहले, और दूसरा सूर्यास्त के बाद। आपको इस पूजा कर को 2 खंड में करना है। एक बार में जो है 5000 जाप आप करेंगे, दूसरी बार में फिर आप 5000 जाप करेंगे, ठीक है। ये विषय मूल मंत्र का है। जो दुर्गा मंत्र होगा उसका 5 माला दोनों बार जब आप बैठेंगे तो आप करेंगे। आसन आपका लाल रहे तो अच्छा है, आसन और जो वस्त्र है वो भी लाल रहे तो वो भी अच्छा है, ठीक है। जो भगवती दुर्गा का मंत्र आप जाप करेंगे वो होगा ह्रीं दुर्गाय नमः। नीचे आपने बीज दुंग लिखा है, लेकिन जाप आप करेंगे ह्रीं दुर्गाय नमः का 5 माला, ठीक है। और पूर्ण रूप से 8 दिन में जो है कम से कम 10,000 इसका जाप होना चाहिए, ठीक। जो गणना में 3000 का डिफरेंस आ रहा है वो पहले और अंतिम दिन हम लोग पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो 5000 जाप रोज करना है नाग मंत्र का, वो मैं आपको बताता हूँ। नाग मंत्र है नाग कुंदेतु वैकुंठः, नाग कुंदेतु वैकुंठः, नाग कुंदेतु वैकुंठः, ठीक है।
इस मंत्र का, ये जो दो अक्षर का मंत्र है, इसका आप 5,000 जाप करेंगे। और अंत में क्या करना है कि जो सर्प का बिल होता है वहां पर जा करके आपको दूध छोड़ करके आना है। इतना करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 8वें दिन से इस मंत्र का प्रयोग देख सकते हैं। रोज जाप करने से आपको ये लाभ होगा कि कर्म के चलते जो आपके जीवन में मार पड़ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। रांची वाले भैरव बाबा आप सभी पर अनंत कृपा बरसाएं, आपको सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।